हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे MySQL में इन ऑपरेटर के बारे में। इन ऑपरेटर क्या है, व्हाट इज इन ऑपरेटर? इन ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड लीस्ट ऑपरेटर, हम इसको लीस्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, हम कोई भी क्वेरी देते हैं तो उसके साथ लिस्ट क्रिएट करते हैं। लिस्ट में जितना भी डेटा होता है अगर उसमें मैच करती हुई टेबल में मैच करता हुआ डेटा होगा तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। किस तरीके से देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये हमारे पास स्टूडेंट टेबल बनी हुई है, स्टूडेंट वेयर, कॉलम लेंगे हम ग्रेड, इन, यहाँ पे इन कीवर्ड यूज करेंगे फॉर लिस्ट, ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट आप यूज करेंगे। इसके बाद मैंने दिया ए बी सी, ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन। ये क्या करेगा, जितने भी ग्रेड्स इनसे मैच करते होंगे उनकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। क्या करते होंगे, मैच करती हुई वैल्यूज को डिस्प्ले कर देगा। तो हम इस टेबल में जाते हैं, यहाँ पे ए दिया हुआ है, क्या इस पूरी टेबल में ए है? हाँ है, दो बार दिया हुआ है, रिपीटिशन है तो रिपीटिशन भी डिस्प्ले होगी। तो इसमें क्या होगा, अमित का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, स्नेह का, बी दिया हुआ है तो प्रीति का भी हो जाएगा, और सी दिया हुआ है तो गोपाल का भी हो जाएगा, पर डी की वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। तो जितनी भी वैल्यूज मैच करती होंगी वो सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। सपोज मैंने यहाँ पे सी के जगह डी लिखा होता तो क्या होता, तो यहाँ पे सी नहीं होता आपकी बार, क्या होता, डी हो जाता। और अगर इसी केस में मैंने बी की जगह ई लिख दिया तो इस केस में सिर्फ ए और डी की ही वैल्यू डिस्प्ले होंगी, क्योंकि ई की डेटा मैच नहीं होता। तो जिसका डेटा मैच होता होगा उसी की वैल्यूज ही डिस्प्ले होंगी। तो इन ऑपरेटर का यूज़ हम इसीलिए ही करते हैं कि एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है जिससे कि जितना भी डेटा मैच करता होगा उससे रिलेटेड उसकी सारी डिटेल्स डिस्प्ले हो जाएंगी। अब इसी में ही मैंने सेकेंड क्वेरी लिखी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रेड नॉट इन, अब की बार हमने क्या लिखा, नॉट इन, नॉट इन में ब्रैकेट में मैंने दे दिया बी एंड सी। तो इस केस में क्या होगा, सेमी कॉलन, जितनी भी डिटेल्स होंगी बी और सी से रिलेटेड वो कोई भी डिस्प्ले नहीं होगी और बाकी सारी डिटेल्स डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इस केस में ए डिस्प्ले होगा, बी नहीं होगा, ए हो जाएगा, सी नहीं होगा और डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने नॉट इन लिखा हुआ है, यानी कि नो मैच। तो जो भी वैल्यू मैच नहीं करती होगी बी और सी से वो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम इन ऑपरेटर टू वे से यूज़ कर सकते हैं, एक इन कीवर्ड के साथ और एक नॉट इन कीवर्ड के साथ, ठीक है। तो इसे आप यहाँ पे मैंने लिस्ट में ग्रेड्स दिए हुए हैं, आप चाहो तो इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हो, करेक्टर भी दे सकते हो, फ्लोट वैल्यू भी दे सकते हो। करेक्टर वैल्यू के लिए हम कोट्स लगाएंगे, ये ध्यान रखना, और इंटीजर्स के साथ आप कोट्स नहीं देंगे। तो इस तरीके से हम लिस्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लिस्ट ऑपरेटर हम MySQL में किस तरीके से यूज़ करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लेना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे कि आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।